ये बकेट है, इसमें पानी भरा हुआ है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। अपने हाईएस्ट पॉइंट में भी पानी गिरा नहीं, तो इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बता। तो हाईएस्ट पॉइंट में एफबीडी बनाओगे तो एमजी फोर्स लगेगा, पानी में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बकेट का, और पानी के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वी स्क्वायर बाय आर। एफ सी वाला कंसेप्ट लगाओगे तो नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से नॉर्मल आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। अब पानी अगर गिर तो नॉर्मल का वैल्यूज मतलब जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा? पानी को सिस्टम माना, पानी में ये रस्सी फोर्स ही नहीं लगा रहा, पानी में तो सिर्फ बकेट फोर्स लगा रहा है। अब ये पानी गिरा नहीं तो कांटेक्ट लूज नहीं हुआ, कांटेक्ट लूज नहीं हुआ तो नॉर्मल को कुछ होना पड़ेगा जीरो से बड़ा, एम वी स्क्वायर बाय आर को एम जी से ज्यादा होना पड़ेगा या फिर इक्वल होना पड़ेगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर बकेट को सिस्टम मान के करेंगे तो हमें पानी को नहीं गिरवाना है, बकेट को सिस्टम मानोगे तो पानी का कैसे करता है, पानी नहीं गिरवाना। और किसी को कोई डाउट है? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड। अब हम लोगों ने मतलब रोड में टर्न आता है ना, वो टर्न ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है। अब सर्कुलर होता है तो गाड़ी जब टर्न लेगा तो वो भी सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होगा टुवर्ड सेंटर। सर्कुलर मोशन सेंटर यहाँ कहीं होगा तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होगा टूवर्ड सेंटर। अब एक्सलेशन है तो ये कोई फोर्स के वजह से आ पाएगा, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है जो कि इसको टर्न लेने में हेल्प करता है? तो तुम लोगों को ये सब थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा कि इसमें टर्न लेने में कौन कौन हेल्प करता है। एक तो है फ्रिक्शन, दूसरा है बैंकिंग ऑफ रोड, और तीसरा में हम लोग ये दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन भी हेल्प कर रहा है और बैंकिंग दोनों हेल्प कर रहा है।
बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होता है, बैंकिंग ऑफ रोड में रोड का जो आउटर वाला एज है ना वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। अगर रोड को मैं यहां से देखूंगा तो रोड ऐसे फ्लैट नहीं, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, रोड का जो आउटर एज है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, ऐसा होगा, ये रास्ता होगा। जब ये टर्न लेंगे तो आउटर एज थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा। ये सब बोर्ड में भी था। तो यहाँ पे टर्निंग टर्न लेने में फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है, बैंकिंग हेल्प कर रहा है, और एक केस में लोग दोनों पढ़ेंगे, एक केस में सिर्फ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, सेकेंड केस में बैंकिंग पढ़ेंगे, और थर्ड केस में दोनों पढ़ेंगे। इससे पहले जब ना गाड़ी का जब व्हील, मतलब जब गाड़ी आगे जा रहा है तो गाड़ी का व्हील रोटेट कर रहा है, अब रोटेट कर रहा है, हाँ 2 मिनट रुको, वो मैं सिर्फ एक बार बता रहा हूँ। जब गाड़ी का व्हील रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जब गाड़ी नॉर्मली आगे लग जा रहा रहा है है, गाड़ी का व्हील रोटेट कर रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है? पीछे के डायरेक्शन, बाहर की तरफ लग रहा है। हाँ, किस डायरेक्शन में लग रहा है, वापस बताओ। आगे के डायरेक्शन में लग आगे रहा है, रखना ठीक चाहिए। है। अब गाड़ी को सिस्टम मान लो, गाड़ी में एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है क्या? गाड़ी में एक्स डायरेक्शन में क्या-क्या फोर्स लग रहा है? एक फ्रिक्शन लग रहा है और दूसरा जिसकी वजह से गाड़ी मूव कर रहा है। जिसके वजह से गाड़ी मूव कर रहा है वो एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? इंजन मतलब इंटरनल है वो। वो इंटरनल है, तो वो फोर्स देखेंगे मैं बीडी में? तो गाड़ी में एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में क्या लग रहा है? वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लग रहा है। और गाड़ी का एक्सलेशन कितना है इस केस में? जीरो तो न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम इनटू ए, ए का वैल्यू 0 है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? तो ये चीज याद रखना, गाड़ी जब कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाता है तो गाड़ी के टायर्स की, मतलब टायर्स और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन कितना लगता है? जीरो। अब अगर ये गाड़ी एक्सलरेट कर रहा होगा तो तो फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। किस डायरेक्शन में लगेगा? आगे की तरफ लगेगा। और स्टैटिक लगेगा कि काइनेटिक लगेगा? काइनेटिक। क्योंकि गाड़ी मूव कर रहे हैं सर, वो डिपेंड करेगा। नहीं, गाड़ी नॉर्मली आगे जा रहा है, मतलब कुछ ऐसा कुछ स्पेशल कुछ नहीं हो रहा है, आराम से आगे जा रहा है। काइनेटिक नहीं लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए लगेगा क्योंकि जब गाड़ी आराम से आगे है ना, तो यहां पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, टायर और इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। अब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा,
कभी ऑब्जर्व किया होगा ना कि गाड़ी जा रहा है और हमने अचानक से ब्रेक मार दिया तो टायर स्किड हो जाता है। जब स्किड हो रहा होता है ना उस समय रिलेटिव मोशन हो रहा होता है, उस तरह का प्योर इंडिकेशन रोलिंग, मिलेगा। कभी ऐसा प्योर नहीं होगा कि रोलिंग हम में स्टैटिक है। हाँ वही नॉर्मल जब जब जाता है टायर वो प्योर रोलिंग ही करता है, और जब हम एक्सलेट कराते कभी कभी अचानक से बहुत ज्यादा एक्सलेट करा देते हैं तो भी टायर स्किड हो जाता है, उस समय भी रिलेटिव मोशन हो रहा होता है तो उस समय भी कैंडिफिकेशन लगेगा। नॉर्मली जब हो जाता है ना टायर जब प्योर रोलिंग करके जा रहा होता है उस समय यहाँ पे स्किडिंग नहीं होता है, मतलब कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, तो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। ठीक सर एक चीज तो पूछना ये था ध्यान रखना। कि वेलोसिटी के डायरेक्शन और स्टैटिक के काइनेटिक स्टैटिक कार रिटार्ड हो रहा है तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? पीछे पीछे की तरफ। स्टैटिक काइनेटिक स्टैटिक और कार स्किड हो रहा है तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा स्टैटिक के काइनेटिक? काइनेटिक लगेगा अब बोलो किसको क्या डाउट है? सर और जब ओवरहेड भी रोलिंग में हम लोग स्टैटिक क्यों मानते हैं? क्योंकि रोलिंग में रिलेटिव मोशन होता नहीं है, ये आरबीडी में तुम लोग पढ़ोगे, प्योर रोलिंग प्रॉपर आरबीडी में पढ़ेंगे। जब प्योर रोलिंग होता है ना, प्योर रोलिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, तो रिलेटिव मोशन नहीं होता है। ठीक है सर, पर जब भी मतलब कार जब भी हम बोले कि आरबीडी कांस्टेंट में जाता वेलोसिटी से है। जा रहा है तो लेकिन उसमें मतलब कार मूव जब भी करता है उसके टायर्स रोल करते तो वो फ्रिक्शन की वजह से ही होता है ना। हाँ वैसे होता है ये, लेकिन हम लोग एवरेज मान रहे हैं, हम लोग आइडियल केस ले रहे हैं। आइडियल केस में अगर कार कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ना तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। प्रैक्टिकल केस में कार कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा, बट ऑलमोस्ट कितना होगा? जीरो होगा, और नेट एवरेज फ्रिक्शन तो जीरो होगा ही। फ्रिक्शन लगे, एवरेज फ्रिक्शन अगर जीरो नहीं हुआ तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही नहीं रह सकेगा, एक्सलेट होगा कार। तो ये कॉपी कर लो। कॉपी हो गया ना? हाँ हाँ सर हो गया। तो हम लोग पहला वाला टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ फ्रिक्शन इसको हेल्प कर रहा है टर्न लेने में। ये वाला जो फिगर है ये टॉप व्यू है, अब यहाँ पे रास्ता बैंक नहीं है और हम यहां से देख रहे हैं, हम यहां से देख रहे हैं कार को, तो हमें जो रोड है वो तो एकदम हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा, उसके ऊपर हमें कार दिखाई देगा। अब अगर हम लोग कार का एफबीडी बनाएंगे, हम यहां से देख रहे हैं तो हमें ये रास्ता दिखाई देगा, उसके ऊपर कार दिखाई देगा। कार का एफबीडी बनाएंगे तो कार में एमडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो
तो इसके पास एक्सलेशन होगा टुवर्ड सेंटर। अब हम यहां से देख रहे हैं तो हमें वो एक्सलेशन कार के किस डायरेक्शन में दिखाई देगा, लेफ्ट में। तो इसके पास एक्सलेशन होगा टुवर्ड सेंटर लेफ्ट में। ये एक्सलेशन होगा वी स्क्वायर बाय आर सेंट्रिपिटल एक्सलेशन। अब ये एक्सलेशन कोई ना फोर्स की वजह से आएगा, तो ये एक्सलेशन नॉर्मल और एंटी की वजह से आ रहा है क्या? नहीं सर, फ्रिक्शन की वजह से। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से आएगा। अब फ्रिक्शन यहाँ पे इस कार पे किस डायरेक्शन में लगेगा, राइट के लेफ्ट? इस कार में फ्रिक्शन लेफ्ट लगेगा, राइट। और स्टैटिक लगेगा कि काइनेटिक? अरे एक्सलेशन फोर्स की वजह से आता है, एक सिंपल सा चीज तुम लोग पढ़ चुके हो। स्टैटिक लगेगा कि काइनेटिक लगेगा? काइनेटिक। अब यहाँ पे तो इसको मूवमेंट नहीं लिख सकते हम। हाँ, अब यहाँ पे नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, एम के। और इस डायरेक्शन में न्यूटन का लॉ लगाएंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स की फिक्स है मास है ना, अलग से भी लिख कर लगा रहे हैं, इसको नहीं लिख कर लगा रहे हैं, लगाएगा। अब ये जो फ्रिक्शन है ये स्टैटिक है, टू एन के इक्वल होगा या फिर इक्वल टू। तो यहाँ से हम वी निकालेंगे, टू आएगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। यहाँ से म्यू निकालेंगे तो वो आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। सर इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से तो नहीं जा रहा है ना? कांस्टेंट स्पीड, इसलिए हम फ्रिक्शन, हाँ मतलब हाँ कांस्टेंट। तो फिर फ्रिक्शन की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग, मतलब क्या बोलना चाहते हो? जैसे हमने अभी सर्कल में घूम रहे तो हम लोग बोलेंगे कि सेंटर की तरफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लगेगा। मतलब हमने जो पहले जो केस डिस्कस किया था वो सिर्फ एक लाइन में जा रहा होगा, इसीलिए होगा क्या वो? फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट। हाँ, पहले जब हमने पढ़ा था उसमें स्ट्रेट रोड में जा रहा था तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। यहाँ पे ये टर्न ले रहा है, कांस्टेंट स्पीड से ले रहा है, फिर भी टर्न ले रहा है, फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है सर। ये एक रोड है जिसमें सर्कुलर टर्न है, इसमें एक कार है भी टर्न ले रहा है और कांस्टेंट स्पीड से ले रहा है। हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट स्पीड से टर्न ले रहा है। अब टर्न ले रहा है तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा बस। अब अगर मैं कार को यहां से देखूं तो मुझे रोड एकदम हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा और उसके ऊपर गाड़ी खड़ा हुआ दिखाई दे, गाड़ी दिखाई देगा। तो रोड दिखाई दिया, उसके ऊपर गाड़ी है। अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन होगा। अगर मैं यहां से देखूंगा तो ये सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन, देखो मुझे लेफ्ट में दिखाई देगा, मैं देखो सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन लेफ्ट में दिखाई दे दिया। अब इसका एमवीडी बनाऊंगा तो उसमें एमवी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा और इसके पास एक्सलेशन होगा। अब एक्सलेशन है तो फोर्स तो लगना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में नॉर्मल और एमजी तो नहीं आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आएगा, फ्रिक्शन। और एक चीज तुम लोगों को ऐसे भी पता हो ना कि जब हम लोग टर्न लेते हैं ना तो हमारा टेंडेंसी किस तरफ जाने का होता है, बाहर की तरफ।
और हमें बाहर की तरफ जाने से कौन रोकता है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किस तरह लगता है? अंदर की तरफ। यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा अंदर की तरफ। अब इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स को बैलेंस कर देंगे, और इस डायरेक्शन में न्यूटन का लगा देंगे, नेट फोर्स इतना ही है, इसको तो एम ए कर देंगे। तो ये आ गया। अब ये जो फ्रिक्शन आया, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है क्योंकि स्किडिंग नहीं हो रहा है, आराम से टर्न ले रहा है, तो इसको म्यू एन से छोटा होना पड़ेगा या फिर इक्वल टू होना पड़ेगा। यहाँ से हमारा v का कंडीशन आ गया, हम u का कंडीशन आ गया। अब अगर गाड़ी और टायर, ये गाड़ी का टायर और रोड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो ये कौन सा वेलोसिटी है? ये वेलोसिटी है बेटी, पर ये क्या वेलोसिटी है? ये कंडीशन क्या बता रहा है? जिसपे कार स्किड नहीं हुई, मैक्सिमम वेलोसिटी है। कार स्किड नहीं हुई, जिससे वो टर्न ले सकता है बिना स्किड हुए। अगर वेलोसिटी से ज्यादा है तो वो कार क्या हो जाएगा? स्किड हो जाएगा। इससे कम है तो ठीक है, इससे ज्यादा नहीं चलेगा, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। सिमिलरली अगर वो v वेलोसिटी से टर्न ले रहा है, तो ये जो म्यू का वैल्यू आ रहा है, ये क्या आ रहा है? ये म्यू का मिनिमम वैल्यू आ रहा है, मतलब म्यू को मिनिमम इतना तो होना ही पड़ेगा तभी वो v वेलोसिटी से बिना स्किड हुए टर्न ले लेगा। म्यू अगर मिनिमम इतना होना पड़ेगा, इससे ज्यादा चलेगा बट इससे कम नहीं चलेगा। अगर इससे कम हुआ तो स्किड हो जाएगा। सर अगर गाड़ी स्किड हो रहा है तो फिर वो मतलब बाहर की तरफ पूरा शिफ्ट हो जाएगा ना? अगर गाड़ी अगर स्किड हो रहा है मतलब उस रोड पे, तो मतलब दूसरे, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर गाड़ी स्किड हो रहा है मतलब अगर म्यू का वैल्यू इससे कम है, तो वो एक बड़े वाले सर्कल को मतलब फॉलो करेगा ना? नहीं, वो सर्कल फॉलो ही नहीं करेगा, वो ऐसे कुछ कुछ ऐसे स्किड हो जाएगा, गंदा मोशन होगा बट सर्कल नहीं होगा। हाँ ठीक है सर। सर वो जो आप बोल रहे थे वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, वो वाला पार्ट एक बार फिर से समझाना। स्टैटिक फ्रिक्शन वाला पार्ट तो मैंने यहाँ पे समझाया है, वो आरबीडी में अच्छे से समझोगे कि जब गाड़ी आराम से जाता है ना बिना स्किड हुए वे, तो यहाँ पे स्लिपिंग होता है क्या, स्किडिंग होता है क्या? नहीं सर। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है क्या? नहीं। अब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो अगर फ्रिक्शन लगेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। और जब अचानक से ब्रेक मारते हैं या फिर अचानक से एक्सीलरेट करते हैं या फिर हाई स्पीड में टर्न ले रहे हैं, तो स्किड होगा कि नहीं? तब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। उस वाले एग्जांपल में एक बार आप डायरेक्शन समझा सकते हो क्या वापस से? ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा, मैं प्रैक्टिकली नहीं बोल रहा, थ्योरी के लिए बोल रहा। अगर कार है कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो आराम से जा रहा बिना स्किड हुए, तो मान लो फ्रिक्शन लग रहा है और आगे की तरफ लग रहा है, वैसे तो नहीं लगेगा बट मान लो आगे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है। अब न्यूटन लॉ लगाओगे तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए होगा। अब नेट फोर्स फ्रिक्शन है, एम एक
का वैल्यू जीरो है तो फ्रिक्शन को भी जीरो होना पड़ेगा। प्रॉपर ऐसा नहीं हो रहा है, प्रॉपर कुछ और होता है जो कि हम आरबीडी में सीखेंगे, बट इस चैप्टर के लिए एक्सेलरेशन के केस में पूछ रहा हूं। एक्सेलरेशन जब होगा जैसे अगर रिटार्ड हो रहा है, जैसे अब अगर ये रिटार्ड हो रहा है, तुमको क्या लग रहा है फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, राइट के लेफ्ट? राइट फ्रिक्शन राइट लगेगा, मान लेते हैं न्यूटन लॉ लगाओ इस डायरेक्शन में। न्यूटन लॉ जब लगाते हैं तो पहले हम इस डायरेक्शन का फोर्स लेते हैं जो कि कुछ है ही नहीं, जीरो माइनस, फिर हम इस डायरेक्शन का फोर्स लेते हैं एफ इज इक्वल टू मास वन है और एक्सेलरेशन टू है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू माइनस टू आ गया। अब फ्रिक्शन राइट माना और माइनस टू आ गया, इसका मतलब फ्रिक्शन एक्चुअल में कहाँ लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा? लेफ्ट में। तो यहाँ पे तो हम लोग कार का रेक्टिलिनियर मोशन देख रहे हैं ना। हाँ, ये तो मैं रेक्टिलिनियर के लिए बता रहा हूँ। सो वहाँ पे वो जब टर्न ले रहा था, मैं उसके केस में बात कर रहा था कि वो जो फ्रिक्शन है वो कौन सा है। जब टर्न ले रहा होगा तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं सर, नहीं है। और इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन है। इस कार में mg अंदर की तरफ लग रहा है नॉर्मल, सॉरी mg अंदर की तरफ लग रहा है, नॉर्मल बाहर की तरफ लग रहा है, तो ये दोनों का तो कोई इफेक्ट नहीं आया इस प्लेन के अलोंग। इस प्लेन के अलोंग कौन सा फोर्स लग सकता है इस कार में? इस प्लेन के, ये रोड का जो प्लेन है ना, इसके अलोंग कौन सा फोर्स लग सकता है इस कार में? फ्रिक्शन लगेगा सर। फ्रिक्शन लग सकता है। अब फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। अगर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग गया तो एक्सेलरेशन जीरो हो पाएगा? नहीं सर। फ्रिक्शन ऐसे भी नहीं हो सकता। फ्रिक्शन अगर ऐसे लगा तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा ना? हाँ सर, वो भी नहीं हो सकता। तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे होना पड़ेगा? ऐसे ही होना पड़ेगा, तभी जाके इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा और इस डायरेक्शन में नहीं आएगा। सर लेकिन एक्चुअल होता ही नहीं है ना, लेकिन मतलब फ्रिक्शन तो टायर के ऑपोजिट, मतलब टायर के साथ ही लगना चाहिए ना, जैसा हम लोग रेक्टिलिनियर में पढ़ा। ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे रेक्टिलिनियर अलग चीज था, ये अलग चीज है। ये जब टर्न लेगा तो हम लोगों को पता है कि ये बाहर की तरफ जाना चाहेगा, कार बाहर की तरफ जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन उसको बाहर जाने से रोकेगा, तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा। तो फिर ये काइनेटिक है कि स्टैटिक है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्किड हो रहा है क्या वो? जब वो टर्न ले रहा है तो स्किड हो रहा है क्या? आराम से टर्न ले रहा है, आराम से ले रहा है। ठीक है सर। सर मुझे एक डाउट, अगर ये कांस्टेंट, एक सेकेंड, हाँ अगर ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं जाता, अगर स्पीड इंक्रीज होता तो फिर इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन होता कि नहीं? हाँ सर। अब बताओ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, वन टू थ्री, टू के डायरेक्शन में लगना है। डायरेक्शन में अलग अलग केस में अलग अलग होता है ना, ऐसे में कोई कंसेप्ट समझ के कर रहे हैं हम, ऐसे थोड़ी ना कि एकदम मतलब रट के कर रहे हैं। किसको क्या डाउट है और? हाँ सर, एक चीज पूछना था कि हम मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उसको मतलब गाड़ी मतलब बाहर जाने वाला, वो उसका टेंजेंशियल हम बोल रहे हैं ना कि वेलोसिटी है, इसका मतलब वो बाहर जाने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सर क्योंकि एक्सेलरेशन फ्रिक्शन की वजह से वो अंदर सर्कल सर्कल सर्कुलर मोशन कर रहा है, वैसे बोल रहे हैं ना? हाँ सही बोल रहे, वैसा कुछ है। और किसी को कोई डाउट है?
अब सेकंड मैं ये इसी फिगर में कर देता हूँ, सेकंड बाय बैंकिंग ऑफ रोड ओनली, ये मैं हटा देता हूँ। अब इसको भी अच्छे से समझना। अब फिर से हम लोग यहां से देख रहे हैं, अब ये रोड बैंक्ड है, अब ये रोड बैंक्ड है तो हमें रास्ता कैसे दिखाई देगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल के टिल्टेड, टिल्टेड राइट, टिल्टेड। और ये बहुत हल्का, बहुत थोड़ा सा एंगल होगा, ये एंगल बहुत छोटा होता है बट मैंने बड़ा दिखा दिया, ठीक है। उसके पर गाड़ी होगा, अब इसके ऊपर गाड़ी है तो गाड़ी का फिर से एमबीडी बनाते हैं हम, यहां से देखेंगे तो एमजी सीधा नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। और हम यहां से देखें तो देखो इसका एक्सीलरेशन एग्जैक्टली लेफ्ट की तरफ होगा, अब और फ्रिक्शन लगेगा। अब फ्रिक्शन जो है लगता है वो अलोंग द रोड ही लग सकता है, अब अलोंग द रोड वो डाउनवर्ड भी हो सकता है और अपवर्ड भी हो सकता है, तो फ्रिक्शन इस केस, इस फिगर में किस डायरेक्शन लगेगा, डाउनवर्ड के अपवर्ड। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ऑब्वियसली, एक्सीलरेशन इस तरफ है तो फ्रिक्शन इस तरफ लगना पड़ेगा। अब मैं ऐसे कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये फिर से थीटा होगा। अब इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब वाई डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन कितना है, जीरो है। वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो है तो वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस होना पड़ेगा। वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस होना पड़ेगा। अब वाई डायरेक्शन के फोर्सेस देखेंगे हम, वाई डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स आ रहा है, एक तो एमजी आ रहा है, एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट आ रहा है एफ साइन थीटा और एक नॉर्मल का कंपोनेंट आ रहा है एन कॉस थीटा। इसको बैलेंस, हाँ इसको बैलेंस होना पड़ेगा, मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स को अपवर्ड डायरेक्शन के इक्वल होना पड़ेगा तभी बैलेंस होगा। सो एन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एफ साइन थीटा माइनस एम जी, एफ साइन थीटा को लेफ्ट में ले जाते हैं, ये नहीं इक्वल टू एम जी, फोर्सेस को बैलेंस कर दिया मैंने, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा कर दिया, एफ साइन थीटा को लेफ्ट में ले गया। By banking of road only मतलब यहाँ पे इसको turn देने में कौन help कर रहा है, banking friction की दोनों, banking friction नहीं रहेगा तो तो ये surface rough है कि smooth है, smooth रहेगा, smooth surface sorry, तो friction नहीं लगेगा। तो सिर्फ यही दो फोर्स, और कोई फोर्स नहीं है। अब वही सेम चीज, एन को कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे, ये नॉर्मल का कॉस कंपोनेंट आएगा, ये नॉर्मल का साइन कंपोनेंट आएगा,
वापस वही इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स को बैलेंस होना पड़ेगा, तो इस फोर्स को इक्वल होना पड़ेगा। और इस डायरेक्शन में अगर हम न्यूटन का लॉ लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स सिर्फ ये है और एक्सेलरेशन ये है, तो नेट फोर्स को तो एम ए कर देंगे। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, यहां से हम v निकाल लेते हैं, बस सॉल्व हो गया। किसी को कोई डाउट है अब ना यहां पे देखो, यहां पे एग्जैक्टली इक्वल टू आया, नहीं ग्रेटर देन आया नहीं लेस देन आया। मतलब अगर ये रो थीटा एंगल से बैंक्ड है तो इसको सेफली टर्न लेने के लिए बिना स्किड हुए वेलोसिटी इतना ही होना पड़ेगा कि इससे कम भी चलेगा इससे ज्यादा भी चलेगा, एग्जैक्टली इतना ही होना पड़ेगा वी एग्जैक्टली, एग्जैक्टली इतना ही होना पड़ेगा, ना इससे कम चलेगा ना इससे ज्यादा चलेगा, एग्जैक्टली इतना होना। और ये भी अगर v वेलोसिटी से सेफली टर्न लेना है बिना स्किड हुए तो इसका एंगल ऑफ बैंकिंग है वो एग्जैक्टली इतना होना पड़ेगा, इससे कम भी नहीं इससे ज्यादा भी। अब वेलोसिटी अगर इससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा, बाहर की तरफ स्पीड होगा कि अंदर की तरफ स्पीड होगा, बाहर की तरफ। और वेलोसिटी अगर इससे कम हुआ तो किस तरफ स्पीड होगा, और अगर रोड बैंक है तो अगर इस वेलोसिटी से टर्न लेगा तो वो टर्न लेगा आराम से बिना स्किड हुए, हाँ सर टर्न हो रहा है। कौन उसको टर्न लेने में हेल्प कर रहा है, नॉर्मल का कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ है। तो अब वो नॉर्मल का कंपोनेंट लग गया उसकी वजह से अब ये टर्न ले रहा है कि नहीं, हाँ सर ले रहा है। तो अब ये स्किड होना चाह रहे क्या अगर इस वेलोसिटी से टर्न ले रहा है, नहीं सर। तो अभी फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अगर ये सरफेस रफ भी है और
इस वेलोसिटी से टर्न ले रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा। नहीं सर नहीं लगेगा, सर स्मूथ है ना। नहीं अब मैं अब चेंज कर रहा हूँ, अब मैं बोला ये अगर रफ है और इस वेलोसिटी से टर्न ले रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा। हाँ सर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। ये रोड स्मूथ है, इस वेलोसिटी से टर्न ले रहा है तो ये स्किड होगा? नहीं सर नहीं होगा। कौन रोकेगा इसको स्किड होने से? नॉर्मल का जो कंपोनेंट है ना सेंटर की तरफ वो रुकेगा। तो यहाँ पे हमें फ्रिक्शन का जरूरत है? नहीं जरूरत नहीं है। नहीं और फिर नॉर्मल इसको रोक लेगा उसके बाद ये स्केड होना चाहेगा? नहीं सर स्केड नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉर्मल ने इसको रोक लिया, तो ना ये इधर स्किड होना चाहता है ना ये इधर स्किड होना चाहता है। अब अगर ये सरफेस रफ है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी अगर इस वेलोसिटी से टर्न ले रहा है तो नॉर्मल इसको रोक लेगा, अब ये स्किड नहीं होना चाहेगा, स्किड नहीं होना चाहेगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? जीरो लगेगा। ठीक है तो ये ध्यान रखना अगर रफ सरफेस है। बोलो सर। मतलब जब हम वेलोसिटी कम कर दे रहे हैं वो अंडर रूट आर जी टैन थीटा से तो फिर वो अंदर की तरफ स्किड। अरे वो तो अभी हम उसमें अभी जाएंगे ना, सुनो सुनो उसमें हम जाएंगे, अभी जो कर रहे हैं उसमें अभी उसमें बात डाउट है तो पूछो। नहीं सर नहीं है। तो अगर ये रफ सरफेस भी है और इस वेलोसिटी से टर्न ले रहा है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? जीरो। इतना समझ में है? अब वेलोसिटी मैं इससे ज्यादा लेता हूं, वेलोसिटी इससे इंक्रीज कर देता, थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं, अब थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा ये रफ सरफेस है, अब ये स्किड पे होना चाहता है कि नहीं? अभी स्किड होगा सर। मेरा क्वेश्चन का आंसर दो, स्किड होना चाहता है कि नहीं? होना चाहता है। किस तरफ होना चाहता है, बाहर की तरफ के अंदर की तरफ? बाहर की तरफ। और सरफेस स्मूथ है कि रफ है? स्मूथ है। ये अब रफ है। तो अब सरफेस रफ है तो ये बाहर की तरफ स्किड होना तो चाहता है, बट होगा क्या? मैं वापस से पूछ रहा हूं, अच्छे से समझ समझ के आंसर दो। ये सरफेस रफ है, इतना वेलोसिटी से टर्न ले रहा है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? जीरो लगेगा, फ्रिक्शन जीरो लगेगा। अब वेलोसिटी इससे मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा इंक्रीज किया, अब ये स्किड होना चाहता है कि नहीं? अंदर की तरफ के बाहर की तरफ? बट सरफेस रफ है तो सरफेस को स्किड होने देगा? नहीं
अब फ्रिक्शन लगेगा। बाहर की तरफ लगेगा कि अंदर की तरफ लगेगा? अरे वो बाहर की तरफ स्किड होना चाहता है, तो फ्रिक्शन इसको स्किड होने से रोकेगा, तो अब फ्रिक्शन फेस किट नहीं होगा। समझ में आया कि वापस बोलो? ठीक है, तो मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बोल रहा हूं, अगर इस वेलोसिटी से टर्न ले रहा है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। वेलोसिटी इससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाओगे तो सरफेस रफ है, अब ये स्किड होना चाहेगा बाहर की तरफ, लेकिन रफ सरफेस है उसको स्किड होने नहीं देगा, सरफेस उस पर फ्रिक्शन लगाएगा अंदर की तरफ और फ्रिक्शन स्किड नहीं होने देगा। अब ये फ्रिक्शन स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा? स्टैटिक होगा। अब वेलोसिटी और थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये और ज्यादा स्किड होना चाहेगा, तो फ्रिक्शन और ज्यादा लगेगा और फिर से फ्रिक्शन को रोक लेगा, स्किड नहीं होगा। ऐसे वेलोसिटी बढ़ाते रहेंगे तो एक पॉइंट पे जाके स्किड हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा सर, और इस समय जब जस्ट स्किड हो रहा है उस समय फ्रिक्शन जो है वो कौन सा लगेगा? हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, मतलब जस्ट स्किड होने वाला है। हाँ सर, लिमिटिंग लगेगा। अब वेलोसिटी जस्ट होने वाला है, अब वेलोसिटी अगर मैं इतना लूंगा तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, अब वेलोसिटी इससे कम लूंगा तो अब ये किधर स्किड होना चाहता है, बाहर की तरफ की अंदर अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ स्किड होने की टेंडेंसी है। फ्रिक्शन इसको रोकेगा, फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा, और फिर जैसे जैसे ये वेलोसिटी कम करते जाओगे और ज्यादा अंदर की तरफ स्किड होना चाहता है, तो फ्रिक्शन और ज्यादा वैल्यू लगा के रोकेगा, और फिर एक पॉइंट आएगा जब ये स्किड हो जाएगा, इस पॉइंट पे फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा कि नहीं? लिमिटिंग वाला। हाँ सर, मैक्सिमम। सर सर अभी जैसे हम लोग जैसे वेलोसिटी कम कर रहे हैं तो वो अंदर की तरफ स्किड हो रहा है, ये वाला पार्ट मुझे नहीं समझ रहा। अरे वेलोसिटी कम करोगे अगर इस तो सर फील करो ना, समझ में आएगा अगर इस वेलोसिटी से टर्न लेगा, अगर अब भूल जाओ वो रफ ऑफ का, अब सिर्फ ये स्मूथ सरफेस है, अब इस वेलोसिटी से टर्न ले रहा है तो इसको नॉर्मल रोक लेगा, और हमारा देखो वेलोसिटी एग्जैक्टली इक्वल टू आया, ना ही ग्रेटर देन आया ना ही लेस देन आया, तो वेलोसिटी टर्न लेने के लिए इतना ही होना पड़ेगा, इससे ज्यादा भी नहीं होना पड़ेगा, इससे कम भी नहीं होना पड़ेगा, तो इतने वेलोसिटी से टर्न लेगा तो वो आराम से टर्न ले लेगा। तो सर फील करो ना, अगर इस वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी होगा तो वो बाहर की तरफ स्किड होगा, और कम होगा तो फिर वो अंदर की तरफ स्लिप होना चाहेगा। हाँ सर, अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग बोथ, मतलब दोनों हेल्प कर रहे हैं इसको, अब दोनों हेल्प कर रहा है और वेलोसिटी इतना है, तो फिर फ्रिक्शन कितना लगेगा? इस केस में जीरो लगेगा ना, अगर वेलोसिटी आर भी कांस्टेंट है तो। हाँ, और वेलोसिटी इससे ज्यादा है तो फ्रिक्शन आउट, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड के इनवर्ड? आउटवर्ड रहेगा, सॉरी इनवर्ड रहेगा, इनवर्ड। और स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा?
स्टैटिक होगा। और फिर ऐसे वेलोसिटी बढ़ाते रहोगे तो एक पॉइंट के बाद स्लिप हो जाएगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जिसमें वो स्लिप नहीं हो रहा है। तो इस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक लगेगा, लिमिटिंग लगेगा, काइनेटिक लगेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग, जिसका वैल्यू हम म्यू एन लिखेंगे। अब वेलोसिटी को और एक चीज और लिख लेते हैं, इस केस में ये किस तरफ स्किड होना चाहता है? आउटवर्ड, बाहर की तरफ। अब जब वेलोसिटी से कम लोगे तो स्किड किस तरफ होना चाहेगा? इनवर्ड। अब फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन उसको रोक लेगा, फ्रिक्शन स्किड होने नहीं देगा। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? आउटवर्ड। अब फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक लगेगा। वेलोसिटी से कम करते जाओगे तो एक पॉइंट के बाद वो स्लिप हो जाएगा, ये मिनिमम वेलोसिटी है जिसमें वो स्लिप नहीं, स्किड नहीं हो रहा है। तो इस समय जो फ्रिक्शन लगेगा वो लिमिटिंग लगेगा, ये याद रखना। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। अब हम लोग ये वाला वेलोसिटी निकालेंगे और ये वाला वेलोसिटी निकालेंगे। ये वाला वेलोसिटी क्या है कि मैक्सिमम सेफ स्पीड है जिससे वो टर्न ले सकता है बिना स्किड हुए, और ये वाला वेलोसिटी है मिनिमम सेफ स्पीड जिससे वो टर्न ले सकता है बिना स्किड हुए। तो हम लोग ये दोनों निकालेंगे। इसके लिए फिगर मैं यही रखता हूं। अब हम लोग निकाल रहे हैं मैक्सिमम मैक्सिमम सेफ स्पीड वी मैक्स, हम ये निकाल रहे हैं। तो अब ये जो वेलोसिटी है ना, ये वी मैक्स है, मैक्सिमम सेफ स्पीड है जिससे वो टर्न ले सकता है। तो ये भी वी मैक्स है। हाँ, अब फ्रिक्शन जब मैक्सिमम सेफ स्पीड से टर्न ले रहा है तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? बाहर की तरफ के अंदर की तरफ? अंदर की। अब फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा और कितना लगेगा? एफ लगेगा कि म्यू एन लगेगा? UN. UN. अब फ्रिक्शन भी एंगल में लग रहा है तो उसके भी कंपोनेंट निकाल लेंगे। यहां पे कंपोनेंट आएगा म्यू एन कॉस थीटा, और यहां पे कंपोनेंट आएगा म्यू एन साइन थीटा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब फिर से इस डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो इस डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस होना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में ये फोर्स है, ये फोर्स है और ये फोर्स है। बैलेंस होने के लिए ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाले फोर्स को इक्वल होना पड़ेगा। तो यहां से आ जाएगा एन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एन साइन थीटा। म्यू एन साइन थीटा को लेफ्ट में ले आते हैं तो ये बैलेंस का इक्वेशन लिख लिया। अब हम लोग इस डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। इस डायरेक्शन में फोर्स ये लग रहा है और ये लग रहा है और एक्सेलरेशन ये है, तो
नेट फोर्स, नेट फोर्स इस पे लग रहा है एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। वी न्यूटन्स को लगा दिया वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में। यहां तक कॉपी कर लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अब मैं इसके बाद तो मैथ्स है, इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा साइन थीटा यहां पे मैं सब जगह कॉस से डिवाइड कर देता हूं, ऊपर भी नीचे भी। अब कॉस से डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा टैन थीटा प्लस एक कॉस, ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहां पे भी कॉस से डिवाइड किया तो ये वन हो गया, ये भी टैन थीटा बन गया। और ये जो आगे इसको यहां लाके मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हमारा आ गया वी मैक्स का स्क्वायर का वैल्यू। स्क्वायर को यहां लाके अंडर रूट कर देता हूं तो ये हमारा वी मैक्स आ गया। सर ये सब वैल्यूज याद रखने का जरूरत नहीं है, ये रखोगे तो बेटर है। क्वेश्चन मेरे को क्वेश्चन का डिवाइड करना पड़ेगा जब आएगा तो। अब हम लोग मिनिमम सेफ स्पीड निकालेंगे तो ये भी मिनिमम होगा। अब जब मिनिमम सेफ स्पीड निकालेंगे तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन लगेगा, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। और एफ लगेगा, एफ लगेगा म्यू एन लगेगा। फिर से हम कंपोनेंट ले लेंगे तो म्यू एन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा म्यू एन कॉस थीटा, और म्यू एन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा म्यू एन साइन थीटा। फिर से हम लोग फोर्स को बैलेंस कर देंगे वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन नहीं है, फोर्स बैलेंस होगा तो वाई डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है और ये फोर्स लग रहा है। बैलेंस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, म्यू एन साइन थीटा
प्लस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी. देखो ये रहा एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, मतलब यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा. और x डायरेक्शन में जब हम लोग न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो x डायरेक्शन में ये फोर्स है और एक्सलेशन इतना है, तो x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा सपोर्ट माइनस अपोज इज इक्वल टू एम ए. तो n साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बाय आर, यहाँ पे जो साइन आएगा ना वो माइनस साइन आ जाएगा. यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, ये मिनिमम आ जाएगा. अब यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा. और ये जो स्पीड आ रहा है वो मिनिमम सेफ स्पीड आएगा. ये कॉपी हो गया, किसी को कोई डाउट है? हाँ सर, हो गया. ऑप्टिमम स्पीड मेरे ख्याल से ये होगा. ऑप्टिमम स्पीड का मतलब ये सबसे ऑप्टिमम स्पीड है, क्योंकि इस केस में फ्रिक्शन कितना लगेगा ये भी लिख लो. इस केस में फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन जीरो लगेगा. तो टायर जो है वो वियर आउट होगा क्या? पता ना फ्रिक्शन की वजह से टायर हो जाता है. तो ये ऑप्टिमम स्पीड है. और यहां से लेके यहां तक सेफ स्पीड है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक के बीच का कोई भी स्पीड ले लो उसमें वो स्किड नहीं होगा, सेफ है.
इससे ज्यादा वेलोसिटी होगा तो स्किड हो जाएगा, इससे कम होगा तो भी स्किड हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन कर रहा है, और एक बार एज्यूम कर लेते हैं कि यूसीएम कर रहा है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट यूसीएम कर रहा है तो इसके पास एक्सेलरेशन होगा अंदर की तरफ वी स्क्वायर बाय आर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है? ये ऑब्जेक्ट इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है? नॉन इनर्शियल क्योंकि एक्सेलरेटेड है। अब इसी के फ्रेम में अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और इसी के फ्रेम में अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा और इसी का बनाऊंगा, तो हमें एक कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा? उस सूडो फोर्स का नाम क्या दिया गया है? उस सूडो फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली सूडो फोर्स ही है सर्कुलर मोशन फ्रेम में। तो ग्राउंड के फ्रेम में अगर मैं लगाऊंगा, ग्राउंड के फ्रेम में एफबीडी बनाऊंगा तो सूडो फोर्स लगाऊंगा क्या? नहीं सर। और सर्कुलर मोशन के फ्रेम में मैं एफबीडी ड्रॉ करूंगा तो सूडो फोर्स लगाऊंगा? और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका ग्राउंड के फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? वी स्क्वायर बाय आर। और इसी के फ्रेम में इसको देखेंगे हम, और इसके फ्रेम में देखते हैं इसके फ्रेम के रिलेटेड खुद रुका हुआ रहता है, तो इसी के फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। हाँ। तो समझ में आया कब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे, कब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगाएंगे, कब ये एक्सेलरेशन होगा, कब ये एक्सेलरेशन नहीं होगा? मैं एक बार फिर से बता देता हूं, अगर मैं ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करूंगा ना, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करेंगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम नहीं लगाएंगे, और इसका एक्सेलेरेशन ये होगा क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब मैं इसी के फ्रेम में सॉल्व करूंगा और इसी का एफबीडी बनाऊंगा, तो फिर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो मुझे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे? एक्सेलेरेशन के अपोजिट। और इसी के फ्रेम में इसको देखेंगे तो इसके पास कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा, क्योंकि खुद के रिलेटिव रेस्ट पे रहते हैं। अच्छे से समझ के याद कर लो, हाँ बाद में उल्टा सीधा मत करना, रटू मत, समझ के याद कर लो। और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो जो सूडो फोर्स लगेगा इसी के फ्रेम में उसका डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड, अवे फ्रॉम सेंटर। इसको हम आउटवर्ड भी कह सकते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड कितना लगाएंगे? एम वी स्क्वायर बाय आर। अरे एम ए होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर।
तो जिसमें हम लोग सूडो फोर्स लगा रहे हैं वो हम लोगों ने कौन सा फ्रेम कंसीडर किया है इसमें? वो सर्कुलर मोशन का फ्रेम है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो एक, जैसे ये एक डिस्क है, ये जो हमारा है ये एक सर्कुलर डिस्क है, उसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये सर्कुलर डिस्क के फ्रेम में हम सॉल्व करेंगे, तो ये जो सर्कुलर डिस्क है इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। समझ में आ गया? हाँ सर। और किसी को कोई डाउट है? अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये चीज है जो तुम लोग बहुत उल्टा सीधा करते हो, क्योंकि कंसेप्चुअली समझते ही नहीं हो। क्वेश्चन करते हैं हम, ये सर्कुलर डिस्क वाला, ये एक सर्कुलर डिस्क है, ये इसका टॉप व्यू है, ये ओमेगा से घूम रहा है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है आर डिस्टेंस पे सेंटर से, और ये भी साथ साथ घूम रहा है। अब साथ साथ घूम रहा है तो इस ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन है कि नहीं? हाँ है। इस ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन है कि नहीं? है सर। हाँ है सर। किस डायरेक्शन में है? सेंटर की तरफ, और ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। अब इस ब्लॉक का एमबीडी बनाओगे तो इस ब्लॉक में अंदर की तरफ एमजी लगेगा, बाहर की तरफ नॉर्मल लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा? अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो नहीं लगेगा, लेकिन सिर्फ के रिस्पेक्ट में देख रहे तो लगेगा। हम कुछ नहीं, हम लोग तो नॉर्मल एमबीडी बना रहे, कुछ नहीं बोला, मतलब हम लोग किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं? ग्राउंड। तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, कोई ना कोई फोर्स तो आना चाहिए इस डायरेक्शन में। नॉर्मल और एमजी का तो कंपोनेंट आ नहीं रहा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस ब्लॉक के ऊपर? फ्रिक्शन। और हम लोग ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं तो कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, और ग्राउंड के फ्रेम में देखोगे तो ये सर्कुलर मोशन करेगा, तो उसके पास सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा। तो ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करोगे तो ये तीन फोर्स लगेगा और इसका एक्सेलरेशन ये होगा। अब इस डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगा देते हैं तो फ्रिक्शन किसके इक्वल आ जाएगा? एम इंटू ए। ये सॉल्व हो गया हमारा। ये किसके फ्रेम में सॉल्व किया हमने? ग्राउंड के फ्रेम में। इसमें ये पूछा था कि फ्रिक्शन कितना होगा। हाँ ये तो नॉर्मल होता है ना, लेंगे नहीं होता है। जब हम लोग सॉल्व करते हैं तब हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम किसके फ्रेम में सॉल्व करेंगे, और जब हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो वो ग्राउंड ही होता है ना। रिलेटिव मोशन में ऐसे सीखा था ना, कुछ नहीं बोला मतलब ग्राउंड के रिलेटिव। अब अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, पर इसमें ऐसा डाउट था कि अगर मतलब बोला है कि अगर इस डिस्क पे फ्रिक्शन रहता ही नहीं तो फिर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी नहीं लगता ना, तो फिर वो ब्लॉक मूव नहीं करता ना। नहीं रखो, जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता तो डिस्क घूमते रहता, ब्लॉक यहीं रुका हुआ रहता। अच्छा ठीक है, ये ब्लॉक को फ्रिक्शन नहीं घुमा रहा, डिस्क नहीं घुमा रहा,
बिना फ्रिक्शन के ब्लॉक घूमेगा ही नहीं। अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू डिस्क सॉल्व करेंगे तो फिर डिस्क मूव कर रहा है कि रुका हुआ है, रोटेट कर रहा है कि रुका हुआ है? डिस्क रुका हुआ। हम लोग विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, अब डिस्क रुका हुआ है तो ब्लॉक रोटेट कर रहा है कि रुका हुआ है? रुका हुआ है। तो फिर ब्लॉक के पास ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा? नहीं सर। और फिर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि डिस्क रोटेट कर रहा है, उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके फ्रेम में नहीं है, अलग बात है, बट ऐसे तो है ही। तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कि नहीं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। और कितना लगेगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर। और एक्सेलरेशन कितना होगा? डिस्क के फ्रेम में देखोगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। अब एक्सेलरेशन जीरो तो ये फोर्स को बैलेंस होना पड़ेगा, दो फोर्स लग रहा है ये और ये, बैलेंस होने के लिए दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू दिस, देखो सेम इक्वेशन है। तो भले ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करो, भले डिस्क के फ्रेम में सॉल्व करो, समझने का तरीका अलग है, इक्वेशन सेम आएगा। अच्छे से समझ लो, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तुम लोग उल्टा सीधा सोचते हो ना तो फिर गलती हो जाता है। फ्रिक्शन रहेगा, फ्रिक्शन इसमें भी देखो, ये ब्लॉक मूव कर रहा है क्या? नहीं। ये फोर्स ब्लॉक पे लग रहा है कि नहीं? अभी फिलहाल हाँ। तो ये फोर्स की वजह से ब्लॉक मूव करना चाहेगा कि नहीं? तो फ्रिक्शन इसको रोकेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको इसको ग्राउंड के फ्रेम में करना चाहिए ना। मैं खुद ग्राउंड के फ्रेम में करता हूं मैक्सिमम क्वेश्चन, बहुत रेयरली कुछ क्वेश्चन होता है जिसको सर्कुलर मोशन के फ्रेम में सॉल्व करना ज्यादा इजी होता है, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन को ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करो इजी हो। जबरदस्ती सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मत लगाओ। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, ये एक रॉड है, इसमें एक बीड है, रॉड यहीं रुका हुआ है तो बीड भी यहीं रुका हुआ रहेगा। अब जब मैं रॉड को इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा तो फिर ये बीड कहां जाएगा? बीड यहीं रहेगा कि अंदर की तरफ जाएगा कि बाहर की तरफ जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। बाहर की तरफ। हाँ, इस क्वेश्चन को किसके फ्रेम में सॉल्व करना बेटर रहेगा, ग्राउंड के फ्रेम में कि ये रॉड के फ्रेम में? रॉड के फ्रेम में। ये क्वेश्चन में जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ सर। बस एक लास्ट टॉपिक है, पढ़ाओ कि नहीं पढ़ा? पढ़ा देता हूँ जल्दी से, जल्दी जल्दी सुन लो। हाँ, इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन, कॉपी भी कर लेना, ऑन अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट हम लोगों ने एनएलएम में पढ़ा था, अपेरेंट वेट मतलब जो वेइंग मशीन मेजर करता है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन। तो ये अर्थ है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहां पे रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का मास m है, अर्थ का रेडियस r है, और ये इसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, वो इस पॉइंट का लैटिट्यूड है। अब ये अर्थ ओमेगा से घूम रहा है, तो अर्थ घूम रहा है तो फिर ये ऑब्जेक्ट भी घूमेगा,
हम लोग विद रेस्पेक्ट टू अर्थ सॉल्व करते हैं। अब ये अर्थ घूम रहा है तो ये ऑब्जेक्ट भी घूमेगा ऐसे, ये ऑब्जेक्ट का जो रेडियस होगा वो ये होगा सर्कुलर मोशन का, जो कि इस ट्राइंगल से आएगा आर कॉस थीटा। अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके पास एक्सेलेरेशन होगा टुवर्ड सेंटर ओमेगा स्क्वायर आर, आर मतलब सर्कुलर मोशन का रेडियस जो कि कितना होगा आर कॉस थीटा। अब अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सॉल्व करूंगा तो फिर ये एक्सेलेरेशन होगा नहीं सर, वो बाहर की तरफ सूडो फोर्स लगेगा। हाँ, और सूडो फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा एक्सेलेरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, और कितना लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर है आर कॉस थीटा, और इस पे एमजी फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और नॉर्मल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा है। और इसी के अर्थ के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो ये रुका हुआ रहेगा तो इसका एक्सेलेरेशन जीरो होगा, तो ये जो फोर्स है इसका हम लोग इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लेंगे। अब इस डायरेक्शन में एक तो एम लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है, और एक ये लग रहा है, और कोई एक्सेलेरेशन नहीं है तो फोर्स को बैलेंस होना पड़ेगा, तो एन प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा को किसके इक्वल होना पड़ेगा एम जी के प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा को इधर ले जाएंगे। ये जो नॉर्मल है इसी को हम क्या कहते हैं अपेरेंट वेट। एक बार रिपीट करना, किसी को डाउट है? होमवर्क क्या करना है? सर्कुलर मोशन हमारा कंप्लीट हो गया तो पहले तो सर्कुलर मोशन का कर लेना। सर आप इसको एक बार रिपीट कर सकते हैं? मैं रिपीट कर देता हूं, पहले एक बार होमवर्क लिख बता देता हूं। सर्कुलर मोशन का सेक्शन एफ, और इसके अलावा क्या करोगे अगले हफ्ते के लिए होमवर्क? सर ऑप्टिक्स का एक्सरसाइज 3। ऑप्टिक्स का एक्सरसाइज बाकी और कुछ साइंस टू कंप्लीट तो हो रहा है सर, तो बाकी है ना ये तुम्हारा आवाज पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस हो रहा तो क्या डिस्कस करना है बोलो सर। ऑप्टिक्स का एक्सरसाइज तो अभी भी बाकी है पार्ट 3 पार्ट 2, तो पहले वही कर लेते हैं। और अभी जो रीसेंट टॉपिक है उसका कुछ करोगे? तो सर्कुलर मोशन का क्या करोगे बोलो? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 लीजिए। हाँ ठीक है, ये वाला मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये अर्थ है, ये इसके अबाउट घूम रहा है ओमेगा से, तो इस अर्थ में ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये घूम रहा है ओमेगा से, घूम रहा है तो फिर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास एक्सेलेरेशन होगा सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर, आर मतलब सर्कुलर मोशन का रेडियस जो आर कॉस थीटा है, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। अब हम लोग इसी के फ्रेम में सॉल्व करेंगे अर्थ के फ्रेम में, तो अर्थ के रिलेटिव देखेंगे तो ये रुका हुआ रहेगा तो एक्सेलेरेशन जीरो होगा, और क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो स्लो फोर्स लगेगा, स्लो फोर्स डायरेक्शन एक्सेलेरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और एम इंटू ए होगा। तो अर्थ के फ्रेम में देखा तो इसका एक्सेलेरेशन जीरो आ गया, और इस पे फोर्स ये और ये लगा। अब क्योंकि एक्सेलेरेशन जीरो है तो मैं इस डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस कर दूंगा, तो इस डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट आएगा नॉर्मल लग रहा है और एम जी लग रहा है, फोर्स को बैलेंस कर दिया तो यहाँ से मेरा नॉर्मल आ गया, जिसको हम अपेरेंट वेट कहते हैं।
अच्छा समझे सर, एक बार वो आप सेंट्रीफ्यूगल वाला पेज दिखा सकते, मेरा छूट गया था लिखना ये। हाँ सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कुछ नया फोर्स नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा पुराना सुडो फोर्स ही है, जो कि हमेशा नहीं लगेगा। ग्राउंड के फ्रेम से सॉल्व करेंगे तो नहीं लगेगा, सर्कुलर मोशन के फ्रेम में सॉल्व करेंगे तो लग जाएगा। हाँ सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो भी मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह सम ही रहेगा ना, जो फोर्स लग रहा है। क्या क्या मतलब जितने भी फोर्स लग रहे हैं सेंटर की तरफ, अगर हम लोग नॉन इनर्शियल से मतलब सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनका सम ही लेंगे ना हम लोग सुडो फोर्स का। नहीं समझ में आया। मतलब अगर सेंटर की तरफ कोई सपोज फ्रिक्शन लग रहा है और कोई और फोर्स भी लग रहा था सेंटर की तरफ किसी और फोर्स का कंपोनेंट, तो वो दोनों फोर्स का कंपोनेंट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो फोर्स ये सब रटो मत ना, एक्सेलरेशन जीरो है तो इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर देंगे, इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा है लेफ्ट में और जो भी राइट में लग रहा है उनको इक्वल कर देंगे। सिंपल है, वही मत बोलो, कंसेप्ट यही है। तुम उल्टा सीधा करके बोलो समझोगे तो गलत ही करोगे बार बार, एक सिंपल सा चीज है। और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है हम लोग अगर इसके फ्रेम में सॉल्व करेंगे, अब एक्सेलरेशन जीरो है तो इस तरफ नेट फोर्स कितना आएगा? जीरो आएगा ना, एक्सेलरेशन जीरो। और इस तरफ जो नेट फोर्स आता है उसको हम इस तरफ जो नेट फोर्स आता है उसको हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो? जीरो होगा। हाँ। एक सेकंड होमवर्क दिखाना। ओके समझ में आया? हाँ सर। हाँ और किसी को भी कोई डाउट है कुछ भी अलग से, किसी को कोई भी डाउट है? मैं एक चीज वापस बोलना चाहूंगा यार, तुम लोग हर चीज को एक सेकंड हर चीज को कंसेप्चुअली समझो। तुम लोग अभी भी हर चीज को मतलब फिजिक्स ऐसे नहीं होता, फिजिक्स कंसेप्चुअली हर चीज को समझ के होता है, रट के नहीं होता कि इसको ऐसे करेंगे उसको ऐसे करेंगे उसको ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं होता है। फील करो कंसेप्चुअली और हर क्वेश्चन में कंसेप्ट लगाओ, बस कुछ भी करके सॉल्व मत करो। तुम लोग का मुझे फील आ रहा है कि तुम लोग ऐसे कर देते हो, कुछ भी कर देते हो, हाँ इसको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे और सॉल्व कर देते हो, वो गलत तरीका होता है। हाँ बोलो क्या डाउट है? सर मैं यही पूछ रहा था कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा करेंगे, सेंटर ऑफ मास? हाँ नेक्स्ट चैप्टर सेंटर ऑफ मास करेंगे, उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग वेव साउंड वेव पढ़ेंगे। आरबीडी साइड से क्या जीपीएन सर पढ़ाएंगे क्या तुम लोगों को? हाँ सर, जीपीएन सर ने बोला वो पढ़ें। ओके जीपीएन सर ने बोला, ठीक है। जीपीएन सर क्या करा रहे हैं? सर अभी तो थर्मल फिजिक्स चल रहा है, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर आरबीडी। ओके ठीक है, हम लोग सेंटर मास पढ़ेंगे अब।